सो फाइनली हो रही है मेरी यहाँ से जाने की तैयारी, और मैं कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग करने जब मैं बैठी तो बिखेरा देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया है। और क्या क्या लेके जाना है, लेके क्या जाना है? सारे कॉलेब्रेशन के सामान लेके जाने हैं। साड़ियाँ वहाँ पे काम आने वाली है नहीं, क्योंकि ससुराल में ही साड़ियाँ पहनते, पियर में साड़ियाँ पहनते हैं नहीं। और साड़ियाँ वो लेके जाऊंगी जो कॉलेब्रेशन करना है, और ज्वेलरी मेरे को सारी लेके जानी पड़ेगी। साड़ियाँ मेरे को जो बाकी है वो लेके जानी पड़ेगी। सूट्स मुझे जितने भी हैं सब लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि सूट्स मेरे काम में आने वाले हैं अभी। और पैकिंग मैं अभी करने बैठूँ तो आपको बिखेरा दिखाऊंगा मैं। तो ये आप देखो, मेरे तो भाई समझ के बाहर है कहाँ से शुरू करूँगी और क्या करूँगी। और भरत जी को कुछ हेल्प का बोलो तो ही इज़ नाइस गाय, जो कि बहुत ही अच्छी हेल्प करते हैं ये। इनका कोई रोल है नहीं, मुझे खुद को ही करनी पड़ेगी अभी पैकिंग। और मैं ये पैकिंग साथ कितने मतलब पहले से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहे। जब जब मैं जो जो भी पैकिंग करूँगी ना, वो मैं आपको दिखाऊँगी। मैं देखो इसमें रखूँगी चूड़ा और सारी जो भी मेरी ड्रेसेस हैं जिनकी फ़ोटोज़ बाकी है, या जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल रहेगी, वो सारी ड्रेसेस लेके जाऊँगी। ऐसी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़े और कोई भिजवा ना पाए, उस टाइप की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं लेके चली जाऊँगी। स्पेशली मेकअप सबसे पहले लेके जाऊँगी मेकअप। मेकअप अगर नहीं लेके गई तो अगले दिन वापस चिकाड़ा आना पड़ेगा मेरे को। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी पैकिंग वगैरह करना, बिकॉज़ और पता है इस पैकिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं मतलब बहुत हिम्मत जुटा के स्टार्ट कर रही हूँ कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना खतरनाक वाला काम मैं कैसे करूँगी, इतना टाइम लगेगा पैकिंग करने में, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इतना सोचने में टाइम लग जाएगा मुझे तो अभी। और है ना, अब मैंने क्या नया स्टार्ट किया है, नया तरीका, ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो जैसे आप बोलते हो ना कि दीदी आप तो कैमरा रख के काम करने लग जाते हो, अब मैं काम करते करते आपसे बात भी करूँगी और वीडियोस भी रिकॉर्ड होती रहेगी। पर मेरे को क्या है, यहाँ पे थोड़ी बहुत शर्म भी आती है ना, इस वजह से आपको पता ही है। अब सबके सामने देखो, किसी की हो उस सिचुएशन में, वो हो या ना हो, बोल पाए ना बोल पाए, और बोल के भी क्या ही बोलेंगे, हर रोज़ का यही है, किचन का तो यही है। कुछ नया होता तो बोलने का भी मन करता है। तो अभी मैं देखो, पहले का जो मेरा सामान था ना, पहले का पिछली बार जब पीहर गई थी, वो भी अभी तक बैग में पड़ा है। पहले वो खाली करूँगी, उसके बाद में स्टार्ट करूँगी। और एक और चीज़, ये न्यूज़पेपर भी हटाएंगे बहुत ही जल्दी, यहाँ पे पर्दे लगाएंगे हम लोग। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या आप IPL देखते हैं? इफ़ येस, तो देखो ही नहीं बल्कि वहाँ पे अपने ओपिनियन देके काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीत सकते हो, वो भी lotus365.in पे। वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के 365 रुपीज़ बोनस के मिलते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड 50+ गेम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस, इस टाइप के आपको आंसर करने होते हैं। और इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि आपको कस्टमर डायरेक्ट 1-to-1 सपोर्ट मिलता है, और 200+ अदर क्वेश्चंस होते हैं अदर गेम्स से रिलेटेड, उनका आंसर देके भी आप बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीत सकते हो। और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर हैं इसके नेहा अग्रवाल, उर्वशी रौटेला, काजल शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीक और सुनील शेट्टी। तो कुछ सेलिब्रिटीज़ इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से जाए lotus365.in पर रजिस्टर करें और खूब सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीतें। सो गो गाइस। वाह, अभी तो खा ली है, लो दे दो, इधर रखो, लो रखो 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 रखो, जल्दी 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 दो। इसके अंदर वो सामान रखेंगे जो कि मुझे चाहिए चाहिए, वो वाली ड्रेसेस दे दो खा ली। हाँ, एड्रेस मत दिखने देना है ना किसी का भी, एड्रेस दिख जाता है तो चक्कर पड़ जाता है। मेरे भाई की शादी में कंकुपत्री पे मेरे नंबर नहीं थे, पर के हमारे रिलेटिव्स के नंबर थे, तो उस रिलेटिव्स के नंबर पे इतने फोन किए कि बेचारे को फोन स्विच ऑफ करके रखना पड़ा था। रुको एक सेकंड, रुको। तो ये साड़ी मैं करूंगी चित्तौड़ जाने के बाद ही। ओके, एड्रेस मत दिखने देना बेटा। ये भी साड़ी मैं करूंगी काला छिपाट जाने के बाद में। भरत जी और है ना,
और पार्सल यहाँ से सूट दे दो, ये वाला सूट, जीन्स और टॉप, ये वाले सूट, ये नीचे ये सूट है, हाँ बस सूट, ये एक ही सूट चाहिए, हाँ और टॉप निकाल देना वहाँ। कौन सा है ये वाला? हाँ वहाँ रहने दो, ये तो ठंड में पहनने का ब्लाउज है, इसको वापस अंदर रख दूंगी, ये पैक थे जल्दी भर गया, चार ड्रेस गिनती की भी नहीं रखी। और मुझे ये हरा वाला चूड़ा भी दे दो, तुम तो सब मत ले बेटा, बहुत बिखेरा हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या लेगा, इतना दिखाएगा तो शर्म ही आ जाएगी मेरे को, मतलब मेरे को पूरा रूम रीअरेंज करना है, अभी तक मतलब मैं परेशान हो गई, मेरी साड़ीज और ये सब भी सेल आउट चल ही रहा है, सेल 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 कर ही रही हूँ, बिकॉज स्टॉक भी क्लियर करना पड़ेगा और सामान भी रखने ही पड़ेंगे। एक वो वेलवेट वाला सूट भी है, मैंने बहुत अच्छे से समेट के रखा था, बिखर गया शायद, ये वाला। ओह वाओ, बहुत अच्छे से समेट गया। तो ये कोमल जी सुनी, जाने की तैयारी करते हुए, अरे वो सब ठीक है, मेरी कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो कि अभी ना तो मेरे पहनने में काम आएंगी ना यहाँ पे रखी हुई काम आएगी, तो उनको मैं ना अंदर सेफली अच्छे से प्रॉपरली रख देती हूँ। ओके थैंक यू, है ना, तो मैं ये सारे कपड़े समेट के थाने ठिकाने लगा दूँ, बस ठिकाने लगा के लास्ट। यस, तो ये तो मेरे को अच्छा लगा लहंगा, तो मैं इसको व्यवस्थित रख देती हूँ। इसकी चुन्नी कहाँ आ गई? ये मिली, हाँ मिली, ये रही इसकी चुन्नी। और चंदू चाचू आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भगारी में, आत्मा का परमात्मा से मिलन कर दो बेटा, चढ़ जाइए आप ऊपर वहां पे भगारी में, ऊपर नहीं चढ़ना, गेट खोल के ऊपर डाल दो बस। नहीं नहीं ऐसे नहीं, फेंकनी थोड़ी है कि साड़ी, महंगी महंगी ड्रेस है, कदर करना सीखो, सीखो भी सीखो। तो चंदू चाचू को ऊपर कोने में चढ़ाया जा रहा है, देखो आराम से बेटा, आराम से रखना, प्यार से, नाजुक कली है वो। और कुछ सामान जो नहीं चाहिए ना ऊपर, वो उसको भी ऊपर पहुंचा दो। ओके आप उसको कृपया करके जड़े नहीं, खुला रहने दे, कोमल जी सोनी और कुछ लेके आ रही है नाजुक कली को, व्यवस्थित रख देती ना। हाँ हाँ रख दो ना, उसमें क्या है, व्यवस्थित रखोगी तो व्यवस्थित मिलेगा। ऐसे टुकुर टुकुर क्या दिक्कत हो, बटके भर हो गया चरा गिर जाएगा तुम मेरे को ऐसे क्या सूट करते हो? तो आज हम लोग वापस से कर रहे हैं शिफ्टिंग, और जो जो भी सामान नहीं चाहिए वो यहाँ से हटाए जाएंगे, क्योंकि अब बस जाने की तैयारी हो रही है। इसको सही रखना बेटा, एकदम पीछे है ना, हाँ। तो ये तो कुछ सामान है जो लेडीज वगैरह को बांटे जाएंगे, तो ये पहले से लेके आए हुए हैं। तो अभी चल रही है सफाई, क्योंकि फिर मैं जाऊंगी तो एक बार अच्छे से रूम को साफ कर देते हैं, ताकि यहाँ कोई बिखेरा ना रहे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है मॉर्निंग का, और यहाँ पे अभी चंदू को चढ़ा के ऊपर का एक और ड्रॉर है वो फटाफट से साफ करवा के इसमें भी थोड़े बहुत सामान रख दिए जाएंगे, ताकि बाहर कुछ भी बिखेरा ना रहे। तो रिंकू यहाँ कर रही है गेहूँ साफ, रिंकू ने मेरे लिए छीले लहसुन, आहा थैंक यू
तो जैसा कि आप देख ही रहे हो व्लॉग में कि पैकिंग भी हो रही है और सफाइयाँ चल रही है, तो आज वापस से वही काम चल रहे हैं। मेरा रूम मैं साफ़ कर रही हूँ, मम्मी जी ऊपर गए हैं ऊपर का पोर्शन साफ़ करने, मतलब फर्स्ट फ्लोर का। रिंकू कर रही है बाहर की सफाई और मेरी एक और ड्यूटी है खाने की, तो मैं खाना वगैरह भी बना रही हूँ। तो खाने में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, और थोड़ी सी छोटी सी डिमांड है कि थोड़ी मैगी भी बना दी जाए, क्योंकि हमने ना सबने एक दिन पहले मैगी खा ली थी, पर लखन जी और भरत जी ने मैगी नहीं खाई थी, तो उन दोनों को मैगी खानी है। तो थोड़ी बहुत मैगी बना दूंगी, थोड़ी बहुत दाल बना दूंगी, मेरा रूम साफ कर लूंगी, सब कुछ अरेंज कर दूंगी। वैसे आधे से मतलब 80% मेरा रूम साफ हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। थोड़ा सा चंदू ऊपर चढ़ के उसने थोड़ा साफ़ किया था, मतलब इतना ऊपर मेरे को चढ़ना नहीं है ना अभी, तो फिर उसने करा। और अब जो भी सामान नहीं छेएंगे ना वो सारे मैं ऊपर रख दूंगी, और इस वजह से मैं मेरा स्टॉक भी क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि है ना हमारे यहाँ पे गोद भराई पे लेके जाते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैं वापस यहाँ पे आऊँगी, तब तक वो साड़ीज कुछ काम आएंगी नहीं, इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी जी कर रहे हैं सफाई, मैं ही हूँ ऊपर दिखाने के लिए। ओहो, कानू तो तैयार भी हो गया भाई। कि मैं अच्छा लग रहा हूँ क्या? देखिए अच्छा तो लग रहा है, पर मुंह तेरा बहुत वाइट हो गया ना यार, मम्मा को बोलो ना। अरे ये धोए ना, धोए कोई बेटा, धोए लो पहले पापा। बेटा अभी तो तैयार हुआ है, तू जस्ट इधर दिखा तो तेरी शक्ल दिखा, हाय कर दो। हाँ नहीं, हाय कर दो। हाँ क्या कह रहे हैं, मेन्यू क्या? ओहो हो, तो आज ना पता है क्या हुआ, दिन में मैंने आपको बोला था ना कि मैं मैगी वगैरह बना रही हूँ और सब खाएंगे, और तो मैगी बनाई, खाना वाना खाया, फ्री हुए, तो मैं भूल गई थी कि ब्लॉगिंग भी करनी है। तो दिन में जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम था वो किया, वही पैकिंग वगैरह करने का, समेटने का। फिर हम गए थे पुराने घर पे गए, वहाँ से हम लेके आए पर्दे। मैंने बोला था ना कि मैं पर्दे भी लगाऊंगी यहाँ पे, तो पर्दे लेके आए। आज शाम को शायद लगा सकती हूँ पर्दे, अगर यहाँ पे वो रखी होगी ड्रिल मशीन तो। और क्या, अब वापस शाम हो गई, इसका शूट बाकी है अभी तक, और मैं सब्जी बना रही हूँ आलू बैंगन की। तो कभी कभी ब्लॉगिंग करते करते भी मैं भूल जाती हूँ, और ब्लॉगिंग करते करते भी थक जाती हूँ कि भाई मैं बोलूँ क्या, बात क्या करूँ, बार बार कैमरा कहाँ ऑन करूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कन्फ्यूज़ करने वाली। किचन से फ्री होके रूम में आई, तो आप रूम में हालत देख सकते हो फिलहाल। तो अब तो रात के 9:30 बज गए, अब तो बिल्कुल इच्छा भी नहीं हो रही मेरी तो कुछ भी करने की। भाई ये करूँगी सही, अरेंज करूँगी, फिर रेस्ट करूँगी। मैं तो पूरा दिन ही कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता यार, ऐसे टाइम निकलता है फटाफट से, कुछ समझ में नहीं आता। ये हमारे पर्दा लगाने की तैयारी हो रही है, अखबार लगा रखे थे ना तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। नहीं वो उसके साइज के लिए ले रहे होंगे ना, इसलिए हो गया हो गया। अरे ये बिना कड़ी की कौन पर्दा लगाता है? हमने लगा दिया। दिखाओ तो। मतलब हद कर दी इन लोगों ने आज तो, नाड़े से पर्दा लगा रहे हो और कुछ नहीं जबकि रस्सी है अवेलेबल यहाँ पे अभी भी। ये बहुत सोनी है, कुछ नहीं कर सकता तो जाइए फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। ये चीज बहुत हर ब्लॉग में स्टार्ट हो जाएंगे, हर ब्लॉग में बोलनी बहुत जरूरी है। तो पैसे वापिस पैसे उनके लगते ही नहीं। तो फ्री का माल है देखो देखे दिखाओ तो नाड़ा
ये देखो ऐसे नाड़े हमने बना दिए, ये देखो ये ऐसे दो, मैं दिखाती हूँ, इसमें भी दिखाती हूँ। दिखाने लगी तब तक तो बंद हो गया, इनका काम खत्म हो गया, ये कि मैं लोगों का व्लॉग ले लिया बस काफी। मतलब ही इंसान बदलते रिश्ते स्वार्थी इंसान ग्रह पड़ता वैसे सब्सक्राइब करे। तो ये आप देख सकते हैं पर्दा लगने के बाद में हमारा कमरा बिल्कुल, पीछे साड़ियां पड़ी है किसी को भी नहीं पता चल रहा, नया हो गया कमरा नया हो गया। हाँ देखो यार, कम से कम यहाँ वीडियोस वगैरह बनाए तो हर एक चीज का कितना फर्क पड़ जाता है ना वापस से। एक है ना बाथरूम के बाहर भी पर्दा लगाएंगे, बस सब जगह पर्दे लगाते हैं। हाँ ये जिधर कपड़े सामान है वापस। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं जितने भी पार्सल्स थे, मतलब मैंने बोला था ना कि जितने भी जो भी बिखेर है वो मैं सुबह ही उठ के करूँगी, बस पर्दे लगाए। उसके बाद मैं उठे और ये सारे सामान पैक किए बिकॉज मुझे वापस से जाना है पीहर, और सब मतलब व्यवस्थित करके जाना पड़ेगा। 5 से 6 महीने आने का काम नहीं है, तब तक मैं न्यू साड़ीज़ का करूँगी क्या, तो मैंने रीसेल कर दी है साड़ीज़। और ये सारे पैक करके उसके बाद मैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू बाय कोरियर जो भी मतलब होती है अवेलेबिलिटी उसके थ्रू हम सेंड कर देती हैं। और ये सेल मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी, अब सेल बंद हो गई है, तो जब भी अवेलेबल होगा नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए मतलब यूट्यूबर्स के लिए जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए सेल रखूँगी फॉर श्योर। तो व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, होप सो आपको पसंद आया हो। जल्द ही और भी नए नए व्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी, और जिसका वेट है वो भी जल्दी आ जाएगा।